एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं, इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या। सुशील मोदी लगातार बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि सुशील मोदी बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए लगातार सजेशन दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका साफ कहना है ललन सिंह का कि दूसरे मोदी बिहार में हैं, उनको जो है टारगेट कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले मोदी को, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जाके बन जाए सुशील मोदी। देखिए लगातार सुशील मोदी जो है महागठबंधन की सरकार को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं लगातार बयान आ रहा है, PFI को लेकर भी लगातार बयान आ रहा था। साफ साफ सुशील मोदी ने ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि PFI को जो है महागठबंधन की सरकार समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। और वहीं बता दें आपको, जिसको लेकर साफ साफ ललन सिंह ने कह दिया है कि जब PFI को लेकर जो है छापा मारने आई थी केंद्र सरकार की टीम आई थी, तो हमने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था और कहीं ना कहीं साथ दिया था। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो सुने आप। एक मोदी है ही तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है, ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी PM मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे। वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं, इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या। तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, तो इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफ़ी दिनों से बेरोजगार थे, काफ़ी दिनों से तिरस्कृत थे, अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिल जाए। तो आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, करारा प्रहार किया है सुशील मोदी पर। उनका साफ कहना है कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनको केंद्र में बैठ जाना चाहिए जाकर, उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। देखिए लगातार सुशील मोदी तंज कस रहे हैं बिहार के महागठबंधन की सरकार पर, जिसको लेकर ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि PM जाकर खुद सुशील मोदी बन जाए। एक मोदी हैं ही, दूसरे मोदी भी चल जाएंगे, पहले मोदी को आउट कर दूसरे मोदी प्रधानमंत्री सीट पर बैठ जाए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं ललन सिंह, आपने सुनाया। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।